हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन कोरमा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है एंड बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है। मेन इंग्रेडिएंट रहेगा इसका दही एंड जो अनियन को डीप फ्राई करके जैसा आप बिरयानी में यूज़ करते हैं उसको शायद बरिस्ता बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी एंड इसकी ग्रेवी जो रहेगी बहुत ही क्रीमी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करूँगी मैं बड़े चार चम्मच घी से, जिसमें हम अपना चिकन फ्राई करेंगे पहले। एंड उसमें हम गरम मसाले, जो खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे। चार इलायची डाली है, एक बड़ी इलायची डाली है एंड एक दालचीनी डाली है। एंड इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। तो चिकन को मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच दही और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लगा के मैंने 2 घंटे इसको मैरिनेट किया था। एंड अब मैंने इस मैरिनेटेड चिकन को मैंने दही में डाल दिया है। अगर आप मैरिनेट कम समय के लिए करें तो आप इसमें सॉल्ट डाल दें। मैंने 2 घंटे के लिए किया था इसलिए मैंने सॉल्ट नहीं डाला। एंड इसके बाद हम इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, जिससे कि अपना पूरा मॉइस्चर छोड़ देगा एंड पानी अलग हो जाएगा, जिसमें हमारा चिकन अच्छे से पक जाएगा। इस चिकन को फ्राई होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आप इसको ढक के छोड़ दें। तब तक के हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यह है 1 कटोरी दही, ऑलमोस्ट 150 ग्राम है। इसमें है ऑलमोस्ट 10 काजू एंड ये है, हमने 2 बड़े प्याज फ्राई करके लिए हैं। इनको पतला पतला काट लें एंड ऑयल में अच्छे से फ्राई करें, ब्राउन होने तक जले ना, बहुत ध्यान रखें। तो थोड़ा सा मैंने प्याज रख दिया है लास्ट में गार्निश के लिए एंड बाकी सारा चीज़ मैंने एक मिक्सर जार में लेके इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बस इतना ही मसाला हम यूज़ करेंगे, डाल के मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया है। ये देखिए मिक्सर है। तो ये देखिए मेरा चिकन जो है उसने पानी छोड़ दिया है एंड ये अच्छे से पक रहा है। इसको अब हम खोला पकाएंगे थोड़ी देर। ये अच्छे से पक रहा है। इस टाइम पे इसको अच्छा पकना पड़ेगा क्योंकि ग्रेवी काफ़ी क्रीमी होगी, तब उसको गलने में समय लगेगा। तो हमने फिर से इसे 5 मिनट के लिए ढक दिया है एंड अब ये चिकन बिल्कुल रेडी है। तो इसमें से हम चिकन पीसेस को निकाल लेंगे एंड थोड़ा सा इसका मॉइस्चर को सुखा के हम उसी ऑयल में अपनी ग्रेवी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा घी डाला हुआ है। अगर आप फिर से ऐड करेंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें ही मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियन काट के डाल दिए हैं। पूरी ग्रेवी अनियन बेस्ड एंड दही बेस्ड है तो अनियन थोड़ा ज़्यादा ही लगता है एंड अब तो अनियन का दाम कम भी हो गया है तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। मैं तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी तो मैंने अभी ऐड किया है। एंड इस प्याज को आपको हल्का भूनना है ब्राउन होने तक। देखिए इस टाइम पे पूरा जो पानी है ये सूख चुका है एंड ये पूरा घी बचा है। तो अगर आप पूरा घी में नहीं बनाना चाहे तो आप प्याज चिकन फ्राई करते टाइम ही थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं घी में, लेकिन ध्यान रखें कि घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो ऑयल से। तो इस टाइम पे मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, जब मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तब। एंड इसका कच्चापन हटने तक हम इसको फ्राई करेंगे एंड देन हम हमारा जो दही का मिक्सचर था जिसे हम पेस्ट करके रखा हुआ था, दही काजू मसाले प्याज फ्राइड प्याज, उस मसाले को हमने डाल दिया है एंड हम इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम आप आँच सिम में रखें क्योंकि ये जो ग्रेवी है ये थिक हो चुकी है, अब तो नीचे लग जाने का चांस है। तो देखिए 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है एकदम लो सिम में एंड अब ये इसमें चिकन डालने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करी है एंड इसे भी हमें फ्राई करना है
इस मसाले के साथ जब तक ये पूरा घी साइड से ना छोड़ दे तब तक हमें चिकन को अच्छे से फ्राई करना होगा। देखिए इस टाइम पे मैंने थोड़ा और अच्छे से सॉल्ट ऐड किया है इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड करिए इस टाइम पे। और देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, ढक के इसको 5 मिनट पकाइए। एंड ये ऑयल छोड़ चुका है तो ये जो ग्रेवी है ये फिर से थिक टाइप ग्रेवी है तो ये पानी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि चिकन ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया था, तो इस टाइम पे हमें इसमें पानी ऐड करना होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है आप पानी उबालिए, एंड 2 कप पानी इसमें डाला है मैंने, 1 किलो चिकन यूज़ किया था, तो सॉरी मैंने काफ़ी लेट बताया, लेकिन हाँ मैंने 1 किलो चिकन यूज़ किया था, तो इसमें मैंने पानी इतना डाला है कि मेरा चिकन जो है वो डिप हो जाए ऑलमोस्ट पूरा। अब मैं इसको ढक के करीब टोटल में इसको पकाऊंगी 25 से 30 मिनट। तो पहले 15 मिनट बाद देखिए ये ऐसे घी ऊपर आ चुका है, ग्रेवी भी हमने पूरी चिकन के ऊपर तक के पानी लिया था, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा कम हो चुका है। एंड अब जब हमने इसको खोल के पकाया तो ये पूरा ही सूख चुका है एंड चिकन मेरा पक चुका है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर डाला एंड ये है मीठा अत्तर। अगर आपके पास मीठा अत्तर ना हो तो आप केवड़ा जल यूज़ करें, मीठा अत्तर अगर हो तो वो आप 3 से 4 ड्रॉप डालें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। एंड अगर आपके पास केवड़ा जल हो तो वो छोटा 1 चम्मच आप हल्का सा डाल सकते हैं, इसी से कोरमे का टेस्ट आएगा। तो ये लास्ट स्टेप था हमारा, चिकन बिल्कुल पक चुका है, ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए थी, ये क्रीमी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इंजॉय करिए नान के साथ, रोटी के साथ, पुलाव के साथ, हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।